हेलो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है लोडेड फ्राइज़। हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। लोडेड कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है, चलें किचन में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। ये देखें, मेरे पास फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये कटे हुए हैं। पोटैटोज को कट करके जो है इस तरह से मैं ये रख दिया है इनको, और यहाँ मैंने पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन है। इसमें ऑयल डालेंगे, इनफ हो गया। लोडेड फ्राइज बहुत इजी रेसिपी है। पोटैटोज जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज हम नॉर्मली बनाते हैं वो बनाएंगे पहले, फिर उनको लोड करेंगे। लोड कैसे करेंगे, किन चीज़ों से करेंगे, वो हम आगे चल के बताते हैं। चलिए जी, ऑयल जो है वो अच्छी तरह हीट हो चुका था, मैंने इसमें फ्राइज डाल दिए हैं। जब ये सही फ्राइड हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर मैं इनको डिश आउट करके उसके बाद इनको लोड करूँगी। फ्राइज रेडी हो गए हैं, अब इनको लोड करने का टाइम आ गया है। एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर ऐसे मोज़रेला चीज़ जो है इसको हम स्प्रेड कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगा मेयोनीज, फिर इसके ऊपर एक लेयर और आएगी फ्राइज की, यहाँ से इसको एक लेयर और लगा के अब इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा हम मोज़रेला चीज़ और डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ आ गया इस पर, इसमें मेयोनीज़ और डालेंगे। चलें, अब हम इसको चीज़ को मेल्ट करने के लिए हम इसको माइक्रोवेव करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये माइक्रोवेव हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। इसकी सर्विंग करेंगे हम टॉप पे, इसके हम केचप लगा देंगे। और लीजिए, लोडेड फ्राइज रेडी है। हमने केचप स्प्रेड कर दिया काफ़ी सारा, बहुत मज़े के, बहुत अच्छे, बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरह से।